अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फ्रेंड्स, सरताज जावेद के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जाती हूँ, देखो मटन कीमा है ये। ये कैसे बनाना की पूरी वीडियो स्किप करें, सर का वॉच करो। मैं कैसे बनाऊँगी आप लोगों को मालूम होता, लुक वाइज भी अच्छा था, टेस्ट भी अच्छा था, देखो इसलिए आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। देखो यहाँ पर 2 किलो कीमा लूँ, कीमा अच्छे से वॉश कर लूँ, देखो 2-3 पाने में। अब यहाँ को है कि स्टेनर झंडी में रखो, पूरा ऐसा वाटर पूरा रिमूव कर देना। देखो जब बीच अच्छा होता, नहीं तो गिर जाता खीमा पूरा, इसमें है तो अच्छा फिल्टर होता। हम पे देखो पैन रखूँ, पैन हीट होने के बाद इसमें ऑयल ऐड करती हूँ। देखो 1-2 चम्मच ऑयल डाल लूँ, ऑयल अच्छे से हीट होना। वो हीट होने के बाद हम पे अच्छे से 2 प्याज चॉप करके रख लूँ। देखो अब ये ऑयल में ऐड कर दी हूँ, ये अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आए तक अच्छा फ्राई कर लेना। अच्छा कर लेती हूँ देखो फ्राई, कलर अच्छा चेंज होना। जब भी जो खीमा अच्छा दिखता, लुक वाइज भी टेस्ट भी हल्लू कलर चेंज होता है। देखो अब वो पैन का कैप लगा दाल को 1-5 मिनट्स अच्छे से फ्राई होने देती हूँ, अरे अच्छा होगा। देखो कलर भी अच्छा दिखता है, अच्छा चेंज होगा, गोल्डन ब्राउन कलर आ गया। देखो अब इसमें है कि अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करती हूँ। देखो ये कलर एक होती ऐड करना। अब एक कच्ची बाज गए तक जरा अच्छे से मिक्स कर देना। प्याज भी अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गई, अदरक लहसुन का पेस्ट की भी कच्ची बाज गई। देखो अब इसमें आपको है कि खीमा ऐड कर देना, खीमा ऐड कर देना। देखो अब ये अच्छे से मिक्स कर देना, मिक्स कर को थोड़ा नमक 1 चम्मच बारीक नमक, 1/2 चम्मच हल्दी डाल को सब फिर एक बार अच्छे से मिक्स कर को। ये खीमे में का पानी अच्छा जुड़ गए तक कैप लगा को रखना। देखो पानी पूरा अच्छे से जुड़े जाना इसमें का, अब कैप लगा को 1-5 मिनट्स पकने देती हूँ। 5 मिनट्स इसमें का पानी पूरा अच्छे से जुड़ गया। देखो सब एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना। जब अरे पानी पूरा अब जर्रा दिसता है पानी, फिर कैप लगा को, अरे कैप लगा को फिर थोड़ी देर पर अच्छे से पकने दें। देखो अब इसमें का पानी पूरा अच्छे से जुड़ गया, अभी सोब एक बार अच्छे से मिक्स कर दाल को। अब इस स्टेज में इसमें से वो माल मसाले डालना। देखो अब अच्छे से एक बार मिक्स कर दाने हूँ। अब आपको इसमें 1/2 चम्मच ये धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच लौंग चकरे का पाउडर, 1/2 चम्मच मटन मसाला, 1/2 चम्मच जीरा मेथी पाउडर, सोब दाल को 1 चम्मच मसाला, सोब दाल को अच्छे से मिक्स कर देना। सोब अच्छे से मिक्स करती हूँ। देखो मसाले पूरे डालने के बाद हूँ, अब इसमें आपको है कि सोब मरम थोड़ा पानी ऐड कर लेना, कहीं कदम मर मसाले पूरे अच्छा लग जाना खीमे को, इसलिए पानी ऐड करें। देखो 1/2 गिलास पानी, तो वो फिर एक बार मिक्स कर दूँ, मिक्स कर देखो। अब इसमें आपको कोतमीर डाल दो, खजरी कोतमीर डाल को, तो फिर एक बार मिक्स कर डाल को, और फिर पैन का कैप लगा डाल को 1-5 मिनट्स अच्छे से पकने दें। देखो अच्छे से पकना 1-5 मिनट्स, कैप काट को बताती हूँ। देखो कितना अच्छा पकने लगा है, बीच में ऐसा मिक्स करते हैं ना,
जैसे वो अच्छा मिक्स कर देखो। फिर पैन का कैप लगा डाल को, फिर एक 2 मिनट अच्छे से पकने दे देखो। 2 मिनट अच्छे से पक गया देखो, फिर अच्छे से मिक्स करती हूँ। अच्छा दिखता है देखो, लुक वाइज कलर हो सब भी। अब स्टेज में इसमें थोड़ा खोपरे का पाउडर ऐड कर लेना, 1-2 चम्मच डाल लूँ खोपरा पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर दें देखो। फ्राई हना का तो फ्राई कर लिया जा, कर्री हना का तो कर्री कर लिया जा। कर्री हना का तो चूरा ड्राई ही तक रख लेना, फ्राई हना का तो। कर्री का तो थोड़ा पानी ऐड कर लेको रखना, अच्छा आता खाने में भी, अच्छा आता रोटी में भी, अच्छा आता देखो फ्राई है। मैं यहाँ पे खाने में बनाती हूँ। सब अच्छे से मिक्स कर लें देखो फिर एक बार। बस है ये स्टेज हमारे को, खाने में को रोटी में को अच्छा आता। अभी अच्छे से पकता है देखो, कैप लगा को अब 1-2 मिनट रखूँ देखो। कैक कहता हूँ माल मसाले पूरे अच्छा लग जाको, अच्छा फ्राई हो जाको, लुक वाइज अच्छा दिखना, जब भी टेस्ट अच्छा होता देखो। अब हैम पे हमारा खीमा फ्राई, खीमा करी बनकर रेडी हो गया। अब एक बोल में काट को आप लोगों को बताती हूँ। लुक वाइज भी अच्छा है देखो, टेस्ट भी अच्छा है, इसलिए आप लोगों से शेयर कर लूँ। ये रेसिपी आप सभी लोगों को पसंद आती बोल को उम्मीद करती हूँ। आप सभी लोगों को पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हो सके तो आप लोग भी ट्राई करो, आपके फ्रेंड्स को, आपके रिलेटिव्स को, सबको भी शेयर कर लो। फिर अगली रेसिपी के साथ आप लोगों के सामने आती हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। दुआ में याद रखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।